everyone, a very good morning you all. I welcome you all again in our next class. Students, let's continue our chapter number 14, that is resources in our daily life. Before starting any new topic, let's do a quick recap of our previous video. So here is the recap. Resources that cannot be replaced easily are known as non-renewable resources. Students, ऐसे resources जो easily replace नहीं होते हैं, उन्हें हम non-renewable resources के नाम से जानते हैं. Some non-renewable resources are coal and petroleum and minerals. Students, in our previous video, we have studied about the coal and petroleum. Students, coal and petroleum को हम fossil fuel या जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं. Coal and petroleum are formed by the remains of dead plants and animals. Students, ये जो coal and petroleum होते हैं, ये dead plants and animals के जो remains होते हैं, उनसे बनते हैं. Okay, इसीलिए इन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं. Now let's start our today's topic, that is minerals. Open your chapter number 14, page number 134. Minerals, जिसे हम हिंदी में खनिज बोलते हैं. Minerals are substances found naturally in the earth. Students, minerals ऐसे substances या तत्व होते हैं जो naturally earth में पाए जाते हैं. ठीक है, naturally का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से. They make up the rocks that cover the earth. स्टूडेंट्स, जो रॉक्स होती हैं, जो हमारी पूरी अर्थ पे रॉक्स हैं, ये सारी मिनरल्स से ही बनी होती हैं. मेनी मेटल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम दी मिनरल्स. और बहुत सारी धातुएं, मेटल का मतलब होता है धातु, बहुत सारी धातुएं इन्हीं मिनरल्स से निकलती हैं या बनाई जाती हैं. मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड ओर्स. और ऐसे मिनरल्स जिनसे मेटल निकलते हैं, उन्हें हम ओर्स कहते हैं. मिनरल्स आर वेरी यूजफुल इन अवर डेली लाइफ. स्टूडेंट्स, ये जो मिनरल्स होते हैं, ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं. मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग मैनी यूजफुल थिंग्स लाइक पाइप, सिलेंडर, चेन, नट्स, टूल्स एंड रेलवे ट्रैक्स, स्टेनलेस स्टील्स, यूटेंसिल्स एंड अदर थिंग्स. स्टूडेंट्स, हम मेटल का यूज करके बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे कि पाइप, सिलेंडर, चेन, नट्स, टूल्स, रेलवे ट्रैक्स, स्टेनलेस स्टील्स, यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स का मतलब बर्तन, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेटल से बनाई जाती हैं. सम प्रीशियस मिनरल्स आर यूज्ड एज जेम्स. स्टूडेंट्स, कुछ कीमती मिनरल्स होते हैं जिन्हें हम कीमती पत्थर के रूप में यूज करते हैं, लाइक डायमंड. सम मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय अवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी. और हमारी बॉडी को भी कुछ मिनरल्स है जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, आयरन है. सो स्टूडेंट्स, ये जो कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीजें हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स से मिलती हैं, और वेजिटेबल और फ्रूट्स में ये सारे मिनरल्स अच्छी क्वालिटी की सॉइल में ग्रो करने के कारण आते हैं. दैट्स व्हाई जो हमारी जो प्लांट्स होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए सॉइल अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल. सॉइल को हम हिंदी में बोलते हैं मिट्टी. सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. सॉइल हमारे अर्थ की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं. ऑल प्लांट्स ग्रो इन दिस सॉइल एंड प्रोवाइड अस लाइफ गिविंग गैस ऑक्सीजन विथ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फायरवुड, टिम्बर एटसेट्रा. स्टूडेंट्स, जितने भी प्लांट्स हमारे चारों तरफ हैं, ये सारे सॉइल में ही ग्रो करते हैं. ठीक है, प्लांट से हमें ऑक्सीजन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फायरवुड, टिम्बर, ये सारी चीजें मिलती हैं. सॉइल प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प प्लांट टू ग्रो. स्टूडेंट्स, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सो वी ऑल हैव टू कंजर्व दीज नेचुरल रिसोर्सेज. कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण या प्रोटेक्शन. रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर अस. स्टूडेंट्स, वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण. तो ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं. वी टोटली डिपेंड ऑन देम फॉर अवर सर्वाइवल. हम सभी अपने सर्वाइवल के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हीं सारे नेचुरल रिसोर्सेज पर ही डिपेंडेंट हैं. देयरफॉर दे नीड टू बी कंजर्व. इसीलिए हम सभी को इन सारे रिसोर्सेज को कंजर्व या प्रोटेक्शन या संरक्षण देना चाहिए. द वाइज एंड इकोनॉमी यूज ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड देयर कंजर्वेशन. स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज का वाइसली और इकोनॉमिकली यूज करना कंजर्वेशन कहलाता है उनका. सम ऑफ द मेजर टू कंजर्व अवर रिसोर्सेज आर गिवन बिलो. सो अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करने के कुछ मेथड होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं. सबसे पहले हमारा नेचुरल रिसोर्स है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट कैन बी कंजर्व बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर्स. स्टूडेंट्स,
फॉरेस्ट को बचाने के लिए सबसे इजी तरीका है कि हम जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा पेड़ लगाएं और फॉरेस्ट फायर्स को प्रिवेंट करें या रोकें। सम अदर मेजर टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट आर गिवन बिलो। और फॉरेस्ट को बचाने के कुछ और भी तरीके हैं जो कि निम्नलिखित है, नीचे दिए हुए हैं। सेंड न्यूज़पेपर्स एंड कार्डबोर्ड फॉर रिसाइकलिंग। हमारे घर में जो भी न्यूज़पेपर या कार्डबोर्ड आते हैं उन्हें रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाए। रिसाइकलिंग सेव नॉट ओनली ट्रीज बट ऑल्सो केमिकल्स एनर्जी एंड वाटर। राइट ऑन दी बोथ साइड ऑफ दी पेपर। स्टूडेंट्स, रिसाइकलिंग करके ना केवल हम अपने पेड़ों को बचा सकते हैं बल्कि उनके साथ साथ हम केमिकल्स, एनर्जी और वाटर को भी बचाते हैं। स्टूडेंट्स, हम लिखने के लिए जिस भी पेपर का यूज कर रहे हैं कोशिश करें कि हम उसके दोनों साइड पर लिखें। कलेक्ट स्क्रैप्स पेपर एंड रीयूज देम टू मेक यूजफुल थिंग्स लाइक अ फोन मैसेज पैड। स्टूडेंट्स, रद्दी जितने भी कागज हो उनको कलेक्ट करें और उनको यूज करें, ठीक है। उनसे यूजफुल थिंग्स बनाएं, उनसे बहुत सारी ऐसी डेकोरेटिव थिंग्स आप बना सकते हैं जो हमारे रद्दी कागज हो जाते हैं। ओके, पेन स्टैंड बना सकते हैं आप उनका यूज करके, या जो हमारे फोन मैसेज पैड्स होते हैं उनको भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल कैन बी कंजर्व बाय टेकिंग फॉलोइंग मेजर। स्टूडेंट्स, सॉइल को हम निम्नलिखित मेजर को यूज करके सेव कर सकते हैं। प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। प्रिवेंटिंग कटिंग ऑफ ट्रीज एंड ओवर ग्रेजिंग। स्टूडेंट्स, पेड़ों को कटने से रोकना चाहिए और उसके साथ साथ जो ओवर ग्रेजिंग होती है, ओवर ग्रेजिंग का मतलब है जब हम एक ही जगह पर अपने जानवरों को कई बार चरने के लिए भेज देते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वहां की जो मिट्टी होती है वो खराब हो जाती है। तो कोशिश करें कि जानवरों को एक ही जगह पे बार बार चरने के लिए ना भेजें। बिल्डिंग डैम्स अक्रॉस द रिवर टू स्टॉप फ्लड। नदियों के किनारे डैम या बांध बनाना जिससे बाढ़ आने से बच सके। नेक्स्ट है वाटर। वाटर कैन बी कंजर्व बाय टेकिंग फॉलोइंग मेजर। स्टूडेंट्स, वाटर या पानी को हम बचा सकते हैं अगर हम निम्नलिखित नियमों का पालन करें। टर्न ऑफ रनिंग टैप व्हेन नॉट इन यूज। जब भी पानी का इस्तेमाल हम ना कर रहे हो तो नल को बंद करके रखें। गेट लीकेज टैप एंड पाइप्स रिपेयर्ड। अगर घर में किसी पाइप या नल में से पानी टपक रहा है तो जितना जल्दी हो सके उसे रिपेयर करवाएं या बनवाएं। डोंट कीप द टैप रनिंग व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ। जब भी हम अपने दांतों को ब्रश कर रहे हो तो हमें कभी भी नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। टेक शॉर्ट शावर यूज बकेट टू सेव वाटर व्हाइल बाथिंग। हमेशा नहाते वक्त कम से कम पानी का यूज करना चाहिए, हो सके तो एक बाल्टी का यूज करें, उसमें पानी लें और तब आप नहाएं। नेक्स्ट इज फ्यूल। फ्यूल कैन बी कंजर्व बाय टेकिंग फॉलोइंग स्टेप्स। नेक्स्ट है हमारा ईंधन। ईंधन को भी हम निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करके बचा सकते हैं। टर्निंग ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन रिक्वायर्ड। जब भी हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की जरूरत ना हो तो कोशिश करें कि हम उन्हें स्विच ऑफ करके रखें। वॉकिंग, साइकिलिंग और यूजिंग अ कारपूल टू गो टू स्कूल और ऑफिस, इट वुड हेल्प टू सेव फ्यूल एंड रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, स्कूल या ऑफिस जाते समय कोशिश करें या तो वॉक करें या साइकिलिंग करें या कारपूल का यूज करें। कारपूल का मतलब होता है एक ही कार का एक समय में दो से तीन व्यक्तियों के द्वारा यूज किया जाना। इस तरह से हम फ्यूल को बचा सकते हैं। यूजिंग लो एनर्जी लाइट बल्ब लाइक CFLs। हमेशा लो एनर्जी लाइट बल्ब का यूज करना चाहिए लाइक CFL, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेव हो सके। रिसाइकलिंग द थिंग्स दैट आर मेड ऑफ मेटल्स और प्लास्टिक्स। हमेशा जो भी थिंग्स मेटल या प्लास्टिक की बनी है उनको रिसाइकलिंग करके उनका रीयूज करना चाहिए। यूजिंग प्रेशर कुकर टू सेव गैस। गैस को बचाने के लिए हमें हमेशा खाना बनाते समय प्रेशर कुकर का यूज करना चाहिए। सो दीज आर द स्टेप्स जिनको यूज करके हम अपने डेली लाइफ में जो रिसोर्सेज हम यूज करते हैं उनको सेव कर सकते हैं। With this, our this chapter is end. In our next video, we will start our new chapter and we will discuss the exercises of this chapter in our live class. Okay?